Hey guys, welcome back to Vidwan Competition and thanks for being here in our YouTube channel. Guys, आज मैं डिस्कस करूंगा 22 April 2020 important MCQ current affairs. So guys, PDF पे आपण माने हम Telegram channel ले join हि परबे Telegram channel link ए video रा description box रे आपण को मिल जिवो. So चलन तो देखिबा कोन होचे 22 April 2020 रो important MCQ current affairs. Here is the first question. First question रोचे कि OIC. OIC means होचे Organization of Islamic Corporation urges India to take urgent step to protect the rights of its minority Muslim community. Muslim community को India रे जंती protection दिया जाऊ सेति पई OIC निवेदन करछि का पाखरे India पाखरे तो कोइछि कि urgent step नबा पई. So एटी question आसीछि कि where is the headquarter of OIC? OIC रे headquarter कोठी? OIC means होछि organization of Islamic corporation. Islamic corporation रो जो headquarter रहछि जेधा जोटा कि Saudi Arabia रे रहछि. ठीक अछि. So next question को जेबा हमें बहुत important question रे. So next question को जेबा question number 2 देखिबा. क्वेश्चन नंबर 2 रहिछ कि चाइनीज लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट. केउ दिन चाइनीज लैंग्वेज डे जोटा कि सेलिब्रेट करा जाय बा ऑब्जर्व करा जाय जोटा कि 20 अप्रैल रे जोटा कि चाइनीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करा जाय. सो नेक्स्ट हम जेबा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज World Liver Day. World Liver Day was observed on which date? केउ दिन World Liver Day ऑब्जर्व करा जाय जोटा कि अप्रैल 19th अप्रैल दिन World Liver Day सेलिब्रेट करा जाय. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा. क्वेश्चन नंबर 4 रहिछे 4 इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेस्ट ऑफ रेयर लेदरबैक सी टर्टल्स आर ऑब्जर्व्ड. सी टर्टल डे जोडे की ऑब्जर्व करा जाछि कोठी थाईलैंड बीचेस रे थाईलैंड बीच रे. तो एठी क्वेश्चंस अछि कि हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड. थाईलैंड रो वर्तमान करंट प्राइम मिनिस्टर के अछन से होचंती प्रायुत चान ओचा. किए प्रायुत चान ओचा होचंती करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा हमें क्वेश्चन नंबर 5 मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is BMW Group President and CEO passed away on 20th April due to the cardiac arrest. So, ethi question achi ki what was his name? Tanka na kon thila? Je ki BMW ro president aur CEO thile tanka recent jote ki 20 April le tanka dehant ho jaichi jote ki heart attack re mane cardiac arrest re. So, tanka na hoche mone rakhantu. रुद्र तेज सिंह ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट आंसर. रुद्र तेज सिंह होचंती बीएमडब्ल्यू रो प्रेसिडेंट एंड सीईओ थिले तांका रिसेंटली देहांत हो जाई छी. सो नेक्स्ट हमें जीवा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू जियो टैग इट्स 7368 कम्युनिटी किचन्स एंड कम्युनिटी शेल्टर्स अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट which produced 12 lakh food packets a day. 12 lakh food packets se pradan karichante. So ko state ya hauchi Uttar Pradesh. Mane rakhibe Uttar Pradesh je ki first state in India to geotag for its 7368 community kitchens and community shelters across 75 districts ko samarchante au per day hujante 12 lakh food packets jote ki produce kariki दिया जाय छी. सो नेक्स्ट हम जेबा क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हिच स्टेट हैज बीन द मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक इन इंडिया. इंडिया रे सबुठार मोस्ट अफेक्टेड माने सबुठार अधिक अफेक्टेड को स्टेट होइ छी से होइ छी महाराष्ट्र. महाराष्ट्र रे लगभग 4000 केसेस जडे की कोरोना वायरस रे रहि छी. कोरोना वायरस पेशेंट 4000 हे छथि आ सेथि 223 केसेस जोटे की ऑलरेडी मृत्युवरण कर लेनी 223 जन. सो नेक्स्ट हमें जीवा क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हिच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन एफिशिएंट लो कॉस्ट इलेक्ट्रोकैटलिस्ट फ्रॉम फिश गिल्स. फिश गिल रो बने चंती कोन एन एफिशिएंट लो कॉस्ट इलेक्ट्रोकैटलिस्ट दैट कैन हेल्प डेवलप एनवायरमेंटली फ्रेंडली रिन्यूएबल एनर्जी कन्वर्सन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज. सो को इंस्टीट्यूट यहाँ को बनेची इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोड़े की मोहाली रे रही इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज गवर्नमेंट से सप्लाई ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स बाय ई कॉमर्स कंपनीज टू रिमेन प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग लॉकडाउन. लॉकडाउन समय रे गवर्नमेंट कहिछि कि जो नॉन एसेंशियल गुड्स रहिछि ताकू बंद. नॉन एसेंशियल मीन्स जोटा कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो जे कोनो जेंति आपनकर एसेंशियल को छाडी देले आ जहा रहला सब नॉन एसेंशियल गुड्स ताकू ई कॉमर्स कंपनी मानन को मना करा जाय छी कि लॉकडाउन पीरियड जेंति कि से माने सप्लाई देबे नै. तो सेकंड फेज ऑफ लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड ऑन व्हिच डेट. सेकंड फेज लॉकडाउन केते पर्यंत रहि छी जोटा कि 3rd मे जाय रहि छी. केते 3rd मे जाय. सो नेक्स्ट हम जेबा क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज
मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जी होचंती डॉक्टर हर्षवर्धन पार्टिसिपेटेड इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज सो एबे रिसेंटली जस्ट किछि दिन तळे जस्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ G20 कंट्रीज रे हर्षवर्धन जे कि हमर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रो मिनिस्टर अछंती से पार्टिसिपेट करछंती जे वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सो से क्वेश्चन रहछि कि व्हेन वाज G20 ग्रुप फाउंडेड केबे G20 ग्रुप जोटा कि फॉर्म हेतो जोटा कि 1999 रे सो आजिर प्रश्न कि आपन माने मते जणैबे कि G20 रो हेडक्वार्टर बा G20 रो हेडक्वार्टर केउ जगह रे रहिछ आपन माने मते कमेंट बॉक्स रे जणैबे ऑलरेडी मु जोटा कि प्रीवियस वीडियो रे कहिछि G20 रो जोटा कि हेडक्वार्टर आपन माने निहाती कमेंट बॉक्स रे जणैबाक चेष्टा करियौ आ बहुत इंपोर्टेंट रहिछ G20 रो हेडक्वार्टर सो नेक्स्ट आमे जेबा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हिच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड बग स्नाइपर ए सेंसिटिव एंड लो कॉस्ट सेंसर टू रैपिडली डिटेक्ट बैक्टीरिया बैक्टीरिया को रैपिडली डिटेक्ट करबा पई को इंस्टीट्यूट बनैछि बग स्नाइपर गोटे सेंसिटिव लो कॉस्ट सेंसर एटा होची गोटे सेंसिटिव लो कॉस्ट सेंसर एहा को बनैछि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे सो देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हिच इंस्टीट्यूट हैज डिस्कवर्ड हंड्रेड्स ऑफ लिथियम केते डिस्कवर करछि हंड्रेड्स ऑफ लिथियम रिच जेंट स्टार्स कोठु करछि रिच जेंट स्टार्स व्हिच प्रूव्स लिथियम इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द स्टार्स से प्रूव करिछन्ति कि लिथियम स्टार्स मानक पखरु ही प्रोड्यूस करा जाय परिबो करा जाय पारे अकाउंट्स फॉर इट्स एबंडेंस इन द इंस्टेलर मीडियम सो को इंस्टीट्यूट जोटा कि हंड्रेड्स ऑफ लिथियम कहा पखरु पाइछन्ति डिस्कवर करछन्ति स्टार पखरु सो को इंस्टीट्यूट ए होछि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स सो नेक्स्ट आमे जेबा मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 इज Which institute has developed a magnetic random access memory? कौन डेवलप करी चंदी? Magnetic random access memory को institute develop कर ची, which is faster, more energy efficient and capable of storing more information in a smaller volume than existing data storage technology. So को institute develop कर ची जो magnetic random access memory, so जो magnetic RAM, so को institute कर ची IIT Mandi. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मंडी कौन करछि डेवलप करछि मैग्नेटिक रैंडम एसएस मेमोरी सेटा कौन करइबो से होछि बहुत फास्ट हबो एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर इनफॉरमेशन इन ए स्मॉलर वॉल्यूम कम जगह रे कम स्पेस रे अधिक सेठी आउ मोर एफिशिएंट काम भी करइबो सो नेक्स्ट आमे जेबा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हेन विल नासा लॉन्च First crewed mission to International Space Station since the retirement of Space Shuttle program in 2011. So, kebe launch karibo first crewed mission NASA jeta ki May 27, 2020 re. So, next jiba move on to question number 15. Question number 15 is the Ministry of Road Transport and Highways launched a dashboard link on its website. रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज तंकर जो वेबसाइट रही से वेबसाइट रे गोटे डैशबोर्ड लिंक लॉन्च करिसेंती जहा द्वारा ऑन टू प्रोवाइड ए लिस्ट एंड डिटेल्स ऑफ ढाबास एंड ट्रक रिपेयर शॉप्स अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री जहा फल रे कि से जो लिंक रे प्रोवाइड करा जायची आम स्टेट रो जोठी भी ढाबा रहिची को ढाबा खोला रहइबो आ को ट्रक रिपेयर शॉप खोला रहइबो डिटेल्स से वेबसाइट रे ही जणा जायची जहा फल रे कि कोरोना पाई जो हमरो लॉकडाउन पीरियड पाई जहां भी ट्रांसपोर्ट रो कोनोसी प्रॉब्लम न हो सेति पाई ई जो ढाबा आउ ट्रक रिपेयर शॉप गुडी को जोटा कि लिस्टेड करा है कि स्टेट मान कर जोटा कि सब ढाबा नो कि सब ट्रक रिपेयर शॉप नो किछि ढाबा आउ ट्रक रिपेयर शॉप से वेबसाइट रे ही दर्शा जाय छै सेही माने ही खोला रखिबे सो एठी क्वेश्चन आसु छै कि व्हेन वाज NHAI फाउंडेड केबे NHAI जोटा कि फाउंडेड हेतला NHAI रे फुल फॉर्म होची नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जोटा कि 1988 केते 1988 सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा हमें क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 इज ए न्यू स्टडी बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट स्टेटेड दैट इंडियास रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडीज फेल बाय हाउ मच परसेंट बिटवीन 2016-17 एंड 2018-19 इंडिया रो जोटा कि इंडिया रो रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडीज केते परसेंट हेची जोटा कि 35% केते 35% कहा कहा मध्ये रे बिटवीन 2016 टू 2018-19 सो नेक्स्ट आमे जेबा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करछन्ती कोन गोटे ऑनलाइन डाटा पूल
फॉर डॉक्टर्स डॉक्टर मानक इंक्लूडिंग किए कि इंक्लूड अच्छा आयुष डॉक्टर्स नर्सेस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड वॉलंटियर्स फ्रॉम एनसीसी एनएसएस पीएम केवीवाई एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा से अच्छा व्हिच एम्स फॉर यूज बाय द ग्राउंड लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल लेवल्स जोटा कि कोविड 19 तो एठी क्वेश्चन आसुच कि हु इज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी एनसीसी डायरेक्टर जनरल किए अच्छा एनसीसी डायरेक्टर जनरल अच्छा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा किए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा सो नेक्स्ट आम जी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हिच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड को इंस्टीट्यूट डेवलप कर न्यू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ग्लोबल आयोनोस्फेरिक मॉडल कौन कर न्यू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ग्लोबल आयोनोस्फेरिक मॉडल ए ग्लोबल मॉडल टू प्रिडिक्ट कौन कर प्रिडिक्ट कर आयोनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथ लार्जर डाटा कवरेज से कौन कर न्यू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड जो ग्लोबल आयोनोस्फेरिक मॉडल रही है से कर प्रिडिक्ट कर आयोनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सो को इंस्टीट्यूट यहाँ डेवलप कर डेवलप कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म नाभी मुंबई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म जोटा कि नाभी मुंबई रही सो नेक्स्ट आम जी क्वेश्चन नंबर 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म ए हाई लेवल टास्क फोर्स टू रिसर्च ऑन कोरोना वायरस एंड डेवलप ए वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कर गोटे हाई लेवल टास्क फोर्स क्रिएट कर फॉर्म कर से कौन करेंगे से रिसर्च करेंगे कोरोना वायरस डेवलप करेंगे वैक्सीन कौन करेंगे डेवलप करेंगे वैक्सीन द हाई लेवल टास्क फोर्स विल बी को चेयर्ड बाय मेंबर नीति आयोग से को चेयर अच्छा किए किए नीति आयोग एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो किए अच्छा एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो हियर इज द क्वेश्चन इज हु इज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्तमान किए अच्छा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो सो आंसर हूँ के विजय राघवन कौन के विजय राघवन हूँ आमर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो सो नेक्स्ट आम जी क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन समीर गोस्वामी डाइज एट द एज ऑफ 65 इन कोलकाता ही वाज ए फेमस पर्सन ऑफ व्हिच फील्ड से क्यों फील्ड रु बिलोंग्स करथले से बिलोंग्स करथले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से जने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे समीर गोस्वामी जे कि कोलकाता रे कोलकाता रु बिलोंग्स करथले आउ 65 एज रे तांकर देहांत होइ जाइ छी सो गाइस आपनको वीडियो टी केमथि लागु छी निहाति कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणाइबे जहां भी क्वेश्चंस पचरा जाउ छी तार आंसर रखिबे आ पुनी आमे देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू सो मच